नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि मेथी की खेती कैसे करके डबल पैदावार ले। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबाकर आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेथी, यहाँ दोस्तों मेथी बड़ी ही फायदेमंद चीज़ है। मेथी के ज़बरदस्त फायदे हैं, इस बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मेथी की खेती से कैसे डबल पैदावार ले। सबसे पहले जलवायु, मेथी शरदकालीन फसल है तथा इसकी खेती में रबी के मौसम में आप कर सकते हैं, और इसकी जो वानस्पतिक वृद्धि के लिए लंबे ठंडे मौसम, आर्द्र जलवायु तथा कम तापमान बहुत बढ़िया होता है। फूल बनते समय या दाना बनते समय वायु में अधिक नमी और बादल छाए रहने पर बीमारी तथा कीड़ों का प्रकोप बढ़ जाता है। फसल पकने के बाद ठंडा एवं शुष्क मौसम उपज के लिए लाभप्रद होता है। मेथी अन्य फसलों की तुलना में अधिक पाला सहन कर सकती है। भूमि, दोस्तों भूमि का ऐसा है कि आप जिस भूमि में मेथी की खेती करना चाहते हैं, सबसे पहले उसका जो है भूमि परीक्षण करा लें। हर जिला में रहता है भूमि परीक्षण, सरकार द्वारा मुफ्त होता है, तो आप वहाँ जाके वैज्ञानिकों से आप कहें कि मैं इसे मेथी की खेती करना चाहता हूँ। वैज्ञानिक लोग मिट्टी के परीक्षण के बाद आपको बता देंगे इसमें क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, और उसके बाद आप कीजिए। जो लोग दूर दराज के इलाके में रहते हैं जहाँ पर ये सुविधा नहीं है, वहाँ पर किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। दोमट या बलुई दोमट मिट्टी, जिसमें कार्बन पदार्थ प्रचुर मात्रा में हो एवं उचित जल निकास की क्षमता हो, इस जगह पर ये फसल जो है बहुत अच्छी होती है, बढ़िया होती है। तो खेत साफ स्वच्छ एवं भुरभुरा तैयार होना चाहिए, अन्यथा अंकुरण में प्रभाव हो सकता है। तो इस तरह से आप जो है भूमि आप ले लें, जैसे मैंने आपको बताया है। खेती की जब आप अच्छी से जो है जुताई करें, इसके बाद इसमें आपको क्या डालना बता देता हूँ। क्लोरोपायरी 20 किलो, जी हाँ, क्लोरोपायरीफॉस 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए, जिससे भूमि के जो है कीड़ा जो है भूमि में या फिर दीमक है उससे बचाव होगा। जुताई के बाद इसमें पाटा अवश्य चला लें किसान भाइयों, ताकि नमी संरक्षित रह सके। कौन कौन सी उन्नत किस्में वो भी बता देता हूँ। तो इसकी जो उन्नत किस्में हैं वो है लाल सिलेक्शन 1, गुजराती मेथी 2, RMT 1, राजेंद्र क्रांति, हिसार सोनाली, कोयम्बटूर 1 आदि जो है ये बहुत ही उन्नत किस्में हैं, इन्हीं का भी इस्तेमाल करें। बीजोपचारित, इसकी जो है 20 से 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर लगता है बीज। बीज को बोने से पहले फुफुन नाशक दवा कार्बन डाइजिंग 3 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचारित करना है। तो ना दवाई का नाम अच्छे से बता देता हूँ, लिख ले आप। कार्बन डाइजिंग 3 ग्राम लेना है प्रति किलो बीज में, और फिर इसे उपचारित कर लें। बीज का उपचारण राइजोबियम मेलोलेटी कल्चर 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से करने से भी लाभ मिलता है। बुआई, मेथी की बुआई का समय तरीका क्या बता देता हूँ मैं आपको। मैदानी इलाकों में मेथी की बुआई के लिए जो है वो अच्छा समय होता है।
अक्टूबर से मध्य नवंबर तक का समय जो होता है बढ़िया होता है, और जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे मार्च अप्रैल बहुत ही बढ़िया होता है। देरी से बुआई करके कम उपज प्राप्त होती है, तो ध्यान रखें समय पे करें इसकी जो है बुआई, ताकि आपको समय पे इसकी फसल प्राप्त हो जाए और ज़्यादा आपको पैदावार मिले। अधिक उत्पादन के लिए इसकी बुआई जो है पंक्तियों में 20 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी पर और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी के हिसाब से करें। बीज की गहराई 5 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसान भाइयों ध्यान रखें अंदाजन 5 इंच के आसपास होना चाहिए। और जैसे मैंने बताया आप ऐसे कीजिए, निश्चित रूप से आपकी जो है ज़्यादा पैदावार मिलेगी। खाद और उर्वरक, जी हाँ, मेथी की खेती में खाद और उर्वरक कितना डालना बता देता हूँ। मृदा जांच के आधार पर खाद एवं उर्वरक का उपयोग करना लाभप्रद रहता है। यदि किसी कारणवश मिट्टी की जांच नहीं हो पाए हो, नहीं कर पाए हो, तो खाद की मात्रा मैं आपको बता देता हूँ, लिख ले कागज पेन उठाकर। गोबर या कंपोस्ट 10 से 15 टन खेती तैयार करते समय देना है। तो जब आप खेती तैयार कर रहे हैं उस समय आपको 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर आपको खेती में छिड़काव करना है। चूंकि ये दलहनी फसल है इसलिए इसकी जड़ों को नाइट्रोजन शीथरीकरण का कार्य करता है, अतः फसल को कम नाइट्रोजन देने की आवश्यकता पड़ती है। रासायनिक खाद के रूप में आप जो है 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, जी हाँ सही सुना आपने, 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस एवं 20 से 30 किलोग्राम पोटास, 20 से 30 किलोग्राम पोटास बीज बुआई के समय ही कतार में दिया जाना चाहिए। यदि किसी किसान को उर्वरक की इस मात्रा को यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट एवं म्यूरिक ऑफ पोटास के माध्यम से देना चाहते हैं तो बता देता हूँ, एक बोरी यूरिया, 5 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट, 5 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट, 1 बोरी म्यूरिक ऑफ पोटास, 1 बोरी म्यूरिक ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहेगा। मेथी की खेती में सिंचाई एवं जल निकास, मेथी के उचित अंकुरण के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी होना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, खेती में नमी की कमी होने पर हल्की सिंचाई करना चाहिए। भूमि प्रकार के अनुसार 10 से 15 दिन के अंतराल में सिंचाई करना है, ध्यान रखिएगा 10 से 15 दिन के अंतराल में करना है। खेत में अनावश्यक पानी के जमा होने से फसल पीली होकर मरने लगती है, तो अतिरिक्त पानी को निकालने का प्रबंध तुरंत करें। मेथी फसल में जो पौधे में संरक्षण, खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, बोने के 15 से 40 दिन के बाद हाथ से निराई कर खेत खरपतवार रहित करें। रासायनिक विधि में पेंडीमेथिलीन एक किलोग्राम सक्रिय तत्व द्वारा बुआई के पहले खेत में डालना चाहिए। कीट नियंत्रण, रोग नियंत्रण, जड़ गलन से बचाव के लिए जैविक फफूंद नाशक ट्राइकोडर्मा के बीज उपचार एवं मृदा उपचार करना चाहिए। फसल चक्र अपनाना चाहिए। भूमिगत या चूर्ण आश्रित रोगों के लिए कार्बन डाइजिम 0.1% तथा घुलनशील गंधक की 0.2% मात्रा का छिड़काव करना चाहिए। माहो कीट का प्रकोप दिखाई देने पर 0.2% डाइमेथोएट रोगार या एमिडा क्लोरोपिड 0.21% प्रति जो है घोल का छिड़काव करें एवं खेत में दीमक के प्रकोप दिखाई देने पर क्लोरोपाइरीफॉस 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई करें। पानी के साथ साथ खेत में अच्छे से ध्यान रखें। मेथी की कटाई, इसके किस्म एवं उपयोग में लाए जाने वाले
भाग पर निर्भर करता। किसान भाइयों, सब्जी के लिए पहली कटाई मेथी पत्ती की हरी अवस्था में बुआई के लगभग 4 सप्ताह बाद चालू हो जाती है। पौधे की भूमि सतह के पास से काटे सामान्य 4 से 5 कटाई नियमित अंतराल पर कर ली जानी चाहिए। दाने के लिए इसकी कटाई जब फसल पीली पड़ने लगे तथा अधिकांश पत्तियां ऊपर पीली होकर छोड़कर गिर जाए तथा फलियों का रंग पीला पड़ जाए तो फली की छटाई करनी चाहिए, क्योंकि सही अवस्था में कटाई न करने से फलियों में दानों का झड़ना शुरू हो जाता है। कटाई के बाद पौधों को बंडलों में बांधकर 1 सप्ताह के लिए छाया में सुखाना चाहिए। सूखने के बाद बंडलों को पक्के फर्श या फिर तिरपाल पर रखकर लकड़ियों के सहारे पीटना चाहिए, जिससे दाने फली से अलग बाहर आ जाए। इस काम के लिए थ्रेसर का उपयोग कर सकते हैं आप। दालों को साफ करने के बाद बोरियों में भरकर नमी रहित हवादार कमरों में भंडारित करना चाहिए। कितनी उपज मिलेगी वो भी बता देता हूँ। इसकी उपज की जो है किस्म एवं उपयोग में लाए जाने वाले भाग पर निर्भर करता है। यदि उन्नत किस्म एवं सही समय पर उचित जो है अगर आप सब ध्यान रखते हैं, खेत का दवाई डालते हैं, खाद डालते हैं, पानी का ध्यान रखते हैं, तो पैदावार कितनी भी बता देता हूँ, 60 से 80 क्विंटल हरी पत्ती होगी और 20 से लेकर 25 क्विंटल दाना मसाले और अन्य उपयोग में होता है। तो ये प्रति हेक्टेयर है। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी वो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को